Janya Das, this is Tejas sir from Yashovardhan Tej Academy. Welcome to the second lecture of trigonometry. पहला लेक्चर बहुत एक घंटे का था. आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा कितने लोगों ने नहीं देखा. ऑब्वियसली बात है जिन्होंने देखा वो उनकी प्रायोरिटी होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनकी भी वही प्रायोरिटी होगी. चलेगा एज आई सेड अर्लियर इन द स्टैटिस्टिक्स लेक्चर एज वेल कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं है कि नहीं उनके लिए हम वीडियो बना रहे. मुझे पता है कि 50-60 ऐसे लोग हैं जो सिंसियरली एफर्ट्स करना चाहते हैं. फॉर दोज वी आर मेकिंग द वीडियोज. अपार्ट फ्रॉम दैट आप आओ, व्यूज बढ़ाओ, लाइक करो, डिसलाइक करो, डजंट रियली मैटर. लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं फॉर देम वी आर हियर. चलेगा तो आई होप आप काफी अच्छे से इन चीजों की पढ़ाई करोगे. ऑलराइट, सो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज बेस्ट ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. चलेगा भाई, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? राइट, सो विल डू वन थिंग. ओके परफेक्ट. सो सिंपल सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी होती है, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं. ठीक है, सो आज मैं आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा. सो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेट्स से इसको एक एंगल थीटा बोल देंगे. क्या बोल देंगे? एंगल थीटा. ये साइड को मैं नाम ए दे रहा हूं, ये साइड को मैं बी नाम दे रहा हूं और ये साइड को मैं सी नाम दे रहा हूं. समझ में आया भाई? राइट, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है. साइन थीटा इज अपोजिट. सपोज ये साइन, इस एंगल थीटा का मुझे साइन निकालना है तो अपोजिट कौन होती है? अपोजिट, अपोजिट साइड कौन सी होती है? अपोजिट साइड इज साइड ए अपॉन हाइपोटेनियस. सो ए बाई सी. साइन थीटा क्या होगा हियर? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी ए बाई सी, ए अपॉन सी हो जाएगा. सेम कॉस थीटा क्या होगा भाई? cos थीटा क्या होता है? adjacent upon hypotenuse. तो adjacent is b upon c, right? ये sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूँ ना, देखो जरा व्हाइट पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है? So sin थीटा is a by c, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? a by c का स्क्वायर प्लस cos थीटा is b by c, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? b by c का स्क्वायर. जरा देखना इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ. a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. सही है ना भाई? स्क्वायर कर दिया. अब नीचे अगर डिनोमिनेटर कॉमन है सी स्क्वायर, तो उसको मैं कॉमन सी स्क्वायर ले लेता हूं. ऊपर क्या बचता है? ऊपर बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. भाई मुझे एक बात बताओ, कल हमने बोला था पाइथागोरस जी की जय. सो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगा दूं, एक साइड है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दूं तो क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट भाई? ये साइड प्लस ये साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वही होता है हमारा पाइथागोरस का थ्योरम. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं भाई? सी स्क्वायर डाल सकता हूं. राइट, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? आई विल बी एबल टू पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर. सो आंसर वुड बी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. आंसर इज 1. ओ भाई, सो व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1. कितने लोगों को समझ में आया? कुछ भी नहीं किया है कि नहीं? क्या किया मैंने? आई जस्ट took a ट्राइंगल, इसको एक साइड दे दिया, इसको एक साइड दे दिया, इसको एक साइड दे दिया, ठीक है? और ये इसको मैंने एंगल थीटा बोल दिया. क्या बोल दिया भाई? एंगल थीटा. ये ए साइड था, ये बी था, ये सी था. साइन थीटा लिया, यहां पे वैल्यू मिला. कॉस थीटा लिया, इसको वैल्यू मिला. आंसर डालने के बाद क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो द फर्स्ट आइडेंटिटी, आई राइट इट अगेन, लिख लो आप सब लोग. फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. परफेक्ट, चलेगा. तो ऐसे ही सर और कुछ आइडेंटिटी होते हैं क्या? यस, और भी होते हैं, चलो देखते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेंस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना है. अब ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला. ठीक है, कैसे करोगे? सर इसका एंगल थीटा ले लो, इस साइड को ए नाम दे दो, इस साइड को बी नाम दे दो, इस साइड को सी नाम दे दो. ठीक है, टेन थीटा क्या होता है भाई? चलो कर ही देता हूं, और एक सॉल्व करूंगा लेकिन इसके बाद नहीं करूंगा, चलेगा? ओके, सो 1 प्लस टेंस स्क्वायर थीटा. सो यहां पे आ गया 1 प्लस tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा भाई? tan थीटा आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अपोजिट है b अपॉन एडजेसेंट है a का tan स्क्वायर थीटा, मतलब उसका स्क्वायर. राइट, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर. अब a स्क्वायर जब ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. If you are well aware, a square plus b square क्या होगा? देखो जरा यहाँ पे अगर पाइथागोरस जी की जय, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो a square plus b square is equal to hypotenuse का square हो जाएगा, तो c square हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे c square upon a square लिख दूँ, right? तो थोड़ा दिमाग लगाओ,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सी अपॉन ए ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दूंगा। भाई मुझे एक बात बताओ, सी कौन है रे? सी कौन है? हाइपोटेनियस। ए कौन है? एडजेसेंट। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट कौन होता है? कॉस का उल्टा, सेक। कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो दिस इज नथिंग बट सी स्क्वायर थीटा। Understood? So 1 plus tan square theta का आंसर क्या आता है? sec square theta. 1 plus tan square theta का आंसर क्या आता है? sec square theta. चलेगा, right? So मैं हर वक्त हर चीज revise करूँगा. So अभी मैंने पढ़ा sin square theta plus cos square theta का आंसर क्या आता है? 1. Sin square theta plus cos square theta का आंसर क्या आता है? 1. वैसे ही 1 plus tan square theta का आंसर क्या आता है? sec square theta. समझ में आया? चलो. Next identity. ठीक है, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट, अरे बहुत पीछे चले गए, जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा नया है ना, सो हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? 6 स्क्वायर थीटा. ओके नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है क्या करना है, इसको थीटा लेना है. ओ जस्ट अ सेकंड, यस आपको पता है क्या करना है, इसको थीटा लेना है, इसको ए साइड लेना है, इसको बी साइड लेना है, इसको सी साइड लेना है, कॉट थीटा की वैल्यू डालनी है. सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वुड बी कोसेक स्क्वायर थीटा. समझ में आया भाई? ओके देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके सो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं, अब आएगा मजा, मल्टीपल डिडक्शन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. मल्टीपल डिडक्शन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सर कैसे? देखो sin square theta plus cos square theta is equal to क्या आया? 1. पहली आज की आइडेंटिटी हमने first identity, today's first identity of today, यहाँ पे लिखा हमने first आज की first identity क्या बोली थी? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. भाई मुझे एक बात बता दो, अगर मैं ये sin square theta को उधर भेज दूँ तो क्या formula मिलेगा मुझे? 1 ये plus sin square theta उधर आके minus sin square theta, तो formula मिलेगा 1 minus sin square theta is equal to क्या बचता है cos square theta. सही है या नहीं है? So अगर मैं sin square theta उधर लेके जाऊं तो 1 minus sin square theta equal to cos square theta, या cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. लेकिन sin के जगह पे चलो sin लेके जा रहा हूं, अब मैं cos उधर लेके जा रहा हूं, cos उधर लेके जा रहा हूं, तो भाई क्या बचेगा? 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. तो भाई इससे ये डिडक्ट किया है. तो लोगों को लगता है सर ये कौन सा अलग फॉर्मूला है, कौन सा अलग फॉर्मूला है भाई? माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाओगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही होना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन ही होना है. बात समझ पा रहे हो? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इससे मल्टीपल डिडक्शन होते हैं आइडेंटिटीज के, वो की जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा. वंडरफुल. ओके चले नेक्स्ट. नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी हमने भाई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ यार, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पे tan square theta है ना, tan square theta को मैं उधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा? माइनस. सो tan square theta यहां पे प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस. तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? sec square theta माइनस tan square theta, sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 1. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला मिल गया. मिला नहीं मिला? 1 plus tan square theta sec square theta, ये मैंने प्रूफ किया है. अगर ये यहां पे आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा डर डर सा लग रहा है, जाओ पीछे वीडियो, पीछे जाओ, स्टार्ट करो. अगर आपको यही नहीं समझा कि टैन थीटा की वैल्यू ए बाई सी या ए बाई बी या सी बाई बी कैसे आया, लास्ट वीडियो देखो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? लेकिन देखना जरूर है बेटा, चलेगा? सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा. टैन को टैन यहां पे प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. या फिर सर टैन को मत भेजो सर, आप 1 को उधर भेजो, टैन मेरा फेवरेट, टैन को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 1 को उधर भेजो, कोई सीन नहीं है भाई. तो अगर 1 को उधर भेज दिया तो tan square theta बचेगा और फॉर्मूला क्या बनेगा? sec square theta माइनस 1, sec square theta माइनस 1. तो ये अलग फॉर्मूले नहीं है. लोग बोलते हैं सर ये फॉर्मूला कहां से आया? यहां से आया, 1 plus tan square theta equal to sec square theta. बट अगर tan square theta उधर लेके जाओगे तो तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो. प्रॉब्लम क्या होता है, एसपीआई ऐसे कुछ तो पूछता है, बोलते यार ये फॉर्मूला देखा ही नहीं मैंने, ठीक है? एसपीआई क्या करता है पता है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी, a square minus b square का? Have you ever learned the formula called a square minus b square? क्या होता है a square minus b square? ये होता है a minus b, a plus b, a minus b, a plus b. अब एसपीआई क्या दिमाग लगाएगा? एसपीआई दिमाग लगाएगा भाई यहाँ पे sec square theta minus tan square theta है ना, इसको a square पकड़ लो और इसको b square पकड़ लो. तो a square minus b square का फॉर्मूला क्या होता है? sec theta minus tan theta
ए माइनस बी एंड ए प्लस बी sec थीटा प्लस tan थीटा। वो पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बोलोगे बाबा रे क्या बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। अरे आंसर वन होता है भाई उसका, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट वन। तो अगर आपको याद रखना है आप याद रख सकते हो, नहीं तो दिमाग तो लगा ही सकते हो। Understood? Sec square theta minus tan square theta is 1. Hence, sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta is also 1. Same goes here. ठीक है? चलेगा? So, ये deductions हो गए इस identity के. Next identity is 1 plus cos square theta equal to cosec square theta. Same logic भाई. जैसे तुम tan उधर लेके गए थे, वैसे उधर cot उधर लेके जाओ. So, cosec square theta minus cos square theta. cosec square theta minus cot square theta it would be 1. ये उधर भेज दो भाई, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. समझ में आया? ओके राइट। या फिर सर अगर हम 1 को उधर लेके जाए तो बेस्ट है भाई। यहां पे क्या है cosec square theta और ये प्लस 1 है, उधर जाके अगर माइनस 1 कर दिया तो क्या बचेगा cot square theta। तो अगर आपको ये अलग अलग फॉर्मूले याद रखने हैं तो याद रखो, या लिख लेना है तो लिख लो, या फिर ये आइडेंटिटी सर हमें इतना कैपेबिलिटी है इस आइडेंटिटी को अगर याद कर देंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वेरी गुड, चलेगा राइट। सो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, रिलेशन बिटवीन ऑल आइडेंटिटीज। अब तुमको आएगा मजा, अनदर लेवल का मजा आएगा। नेक्स्ट 10 मिनट है ना मस्त दिमाग घूमेगा तुम्हारा, ठीक है? मुझे बात बताओ, है ना, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, पीछे एक दो तीन, अब आएगा तुमको मजा, है ना? देख पा रहे हो तुम यहाँ पे? आई होप तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके राइट। सो फर्स्ट आइडेंटिटी जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। द सेकंड वन इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। थर्ड इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक्स स्क्वायर थीटा। आपको एक बात पता है, रिलेशन बिटवीन ऑल आइडेंटिटीज, ठीक है? क्या बोलने जा रहा हूं ठीक से समझ लो, ठीक है? What I'm trying to say is, every trigonometric entity is related with another trigonometric entities. या फिर every trigonometric ratio is related to with other trigonometric ratio. कैसे बताऊँ? देखो, आपने last lecture में ये पढ़ा है, sin theta equal to 1 upon cosec theta. पढ़ा है ना? Sin theta का उल्टा कौन होता है? Cosec theta. वैसे ही आपने पढ़ा है, cos theta का उल्टा कौन होता है? Sec theta. और वैसे हमने एक बात पढ़ी है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। होता ही नहीं होता है? अब गेम देखो, sin भाई किससे रिलेटेड है? cos से। cos किससे रिलेटेड? सब लोग ध्यान दे पा रहे हो? अब दो ना तुमको मजा आ जाएगा, अभी है कि नहीं? तुम बोलोगे यार सर क्या मजा करा दिया, ठीक है? sin थीटा किससे रिलेटेड होता है? cos थीटा। cos थीटा रिलेटेड किससे होता है? sec थीटा। sec थीटा रिलेशन किससे होता है? tan थीटा। tan theta related किससे होता है? cot theta। cot theta related किससे होता है? cosec theta। और cosec theta related किससे होता है? sin theta। और sin theta related किससे होता है? cos theta। अरे भाई क्या कर दिया सर ये? ये इसका भाई। any trigonometric entity can be converted into any other trigonometric entity। कैसे? अब बताऊंगा तुम्हें, right? एक ही example दूंगा मैं, ज्यादा मेरे पास time नहीं है, राइट? रादर आपके पास साइन नहीं है, चलेगा? तो एक एग्जांपल लेने वाला हूं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं नहीं भी दिखूं तो भी चल जाएगा आपको। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और हमें पता है साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ होता है, या फिर एक काम करते सब लोग ध्यान है आप लोगों का। ओके देखो, अभी साइन थीटा और कॉस थीटा में ये रिलेशन दिया है। अब हमें पता है कॉस थीटा रिलेटेड किससे होता है? हमें पता है कॉस थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा, लेकिन sec थीटा रिलेटेड किससे होता है? tan थीटा। लेकिन हमें पता है tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा, लेकिन cot थीटा रिलेटेड किससे होता है? cosec थीटा। बट वी आर वेल अवेयर कि 1 अपॉन cosec थीटा इज नथिंग बट अ sin थीटा, एंड sin थीटा रिलेटेड टू cos थीटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि आपको कन्वर्ट करना है sin थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan, इन द फॉर्म ऑफ tan, साइन को tan में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आएगा। मुझे एक बात बताओ, सब लोग मुझे एक बात बताओ, ठीक है?
साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो हाँ अब मैं कैसे क्वेश्चन लेके जा रहा हूं आगे, साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट साइन एज 1/cosec, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, साइन को मुझे टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं साइन को 1/cosec लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो, यहां से cosec का आंसर निकल सकता है क्या, देखो यहां से cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो अगर मुझे सिर्फ cosec चाहिए तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट दिख पा रहे हो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो cosec थीटा कैन बी रिटन एज √1 cot²θ। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग ध्यान दो भाई, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और एक बार, ठीक है, सो cosec थीटा को कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ, देखो यहां पे cosec थीटा वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 cot²θ, ठीक है। अब मुझे एक बात बता रहे, cot काय में कन्वर्ट कर सकते हो, tan में, cot का उल्टा tan, तो cot के जगह में सब लोग ध्यान दो 1/√1 plus, cot की जगह का 1/tan लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/tan²θ चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये टाइम स्क्वायर थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 1/√1 tan²θ + 1/tan²θ। अब सब लोग ध्यान देंगे राइट, अंडर रूट ऑफ tan²θ क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये पूरा रूट है ना, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर का रूट रहने दूंगा, ध्यान दो भाई ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट, ये सिर्फ ऊपर का रूट रहने दूंगा, नीचे का रूट हटा के यहाँ पे 2 भी हटा दूंगा, अब ये tan थीटा ऊपर जाके यहाँ पे चल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 tan²θ। अरे भाई भाई, दिस इज नथिंग बट sin थीटा, sin थीटा का और एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 tan²θ। सर कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है ना, हमारे बुक में तो दिया नहीं है, तो तुम्हारे बुक में दिया नहीं तो होता नहीं है क्या, चलेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, टैन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 tan²θ, भरोसा नहीं है मेरे पे, एक काम करो निकालो ट्रायंगल, दो उसको थीटा एंगल, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, डालो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू साइन थीटा की, डालो टैन थीटा की वैल्यू राइट हैंड साइड में, LHS इक्वल टू RHS ना मिला ना, चैनल बंद करूंगा, ठीक है राइट, ये ऐसी भूलती है, ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन उसमें क्या किया मैंने, साइन थीटा को 1/cosec θ लिखा, cosec थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 cot²θ, ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 1 cot²θ, तो cot को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/tan, सो tan को क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट, उसको ऊपर ले गया तो साइन का फॉर्मूला ये मिला, आपको पता है ऐसे जैसे साइन का फॉर्मूला tan में है ना, वैसे आप मल्टीपल हजारों फॉर्मूले बना सकते, हजारों नहीं 36 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, कैसे, cot का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो लेट्स से sec के फॉर्म में, या फिर आप cos का फॉर्मूला निकाल सकते हो लेट्स से cosec के फॉर्म में, ठीक है, कैसे करना है, एक एक करके जाना है, क्योंकि हमें पता है, देखो यार sin का भाई cos, cos का भाई sec, sec का भाई tan, tan का भाई cot, cot का भाई cosec, cosec का भाई sin, वापस sin का भाई cos, तो हर बंदा है और दूसरे बंदे से रिलेटेड है, ठीक है चलेगा, मैं काम करता हूं मैं ना, और आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, बस एक एग्जांपल और चलेगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद आप ट्राई कर लो, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आता है नहीं आता है मुझे जरूर बताना आप लोग, चलो परफेक्ट है ना, और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब मुझे कन्वर्ट करना है, ये भी गाइड कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, मुझे लेट्स से कुछ भी बोल दो, क्या करना है, लेट्स से कॉस को कन्वर्ट करना है मुझे कोसेक में, कॉस को कन्वर्ट करना है कोसेक में, ठीक है, तो भाई हमें पता है यार cos थीटा किसमें कन्वर्ट होता है, sin थीटा में, ठीक है, तो cos की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा, cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, यहां से मुझे अगर cos निकालना है, ठीक है, तो ये sin इधर भेजना पड़ेगा, ये sin इधर भेजना पड़ेगा, तो cos²θ = 1 - sin²θ, cos²θ = 1 - sin²θ, तो सिर्फ स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या बनेगा इसको, अंडर रूट है ना, तो सिर्फ cos थीटा चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 1 - sin²θ हो जाएगा, समझाना क्या किया, sin square theta इधर लेके गया, square नहीं चाहिए तो under root डाल दिया, तो cos theta is nothing but under root of 1 - sin²θ, but भाई हमें answer चाहिए cosec में, तो मैं कैसे करूंगा, 1 - sin को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cosec²θ, ठीक है, cosec को अगर ऊपर multiply कर दूं, it will be cosec²θ - 1/cosec²θ, फील है या नहीं है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, लेकिन ये तो कहा हुआ ऊपर, सो अब ये रूट अगर मैं नीचे से निकाल दूं, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रूट हट जाएगा, तो रूट सिर्फ ऊपर लिखूंगा, सो सिर्फ ऊपर रूट लिखो, इट विल बी अंडर रूट ऑफ cosec²θ - 1, और नीचे रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो नीचे बचेगा cosec थीटा,
भाई ये नथिंग बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस, फील आया नहीं आया, कितने लोगों को फील आ रहा है, दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, भरोसा नहीं है, थीटा का वैल्यू कुछ भी लेके देखो, 30 यहाँ पे डाल के देखो, 30 यहाँ पे डाल के देखो, एलएचएस आरएचएस मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल आइडेंटिटीज। सो भाई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या दिमाग के अंदर डालोगे, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी या फिर एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज रिलेटेड टू एवरी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। परफेक्ट, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज रिलेटेड टू एवरी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन कॉस से रिलेटेड, कॉस सेक से रिलेटेड, सेक टैन से रिलेटेड, टैन कॉट से रिलेटेड, कॉट कोसेक से रिलेटेड, कोसेक साइन से रिलेटेड, क्या बात है, है कि चलो है ना, ये तो वैसे हुआ ना भाई, ए का भाई बी, बी का भाई सी, सी का भाई डी, डी का भाई ई, ई का भाई एफ, मतलब ए का भाई वन एफ, ऐसे हुआ है, चलेगा परफेक्ट। चलो इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व करो है ना। अब ना हो मैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ आंसर डाल डाल के, उसके बाद कुछ अलग चीजें ट्राई करने वाला हूँ, तो अब मजा आएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दू तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डालूंगा मैं, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह डालूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, प्रूव करना है। चलो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रखता हूँ, हमें पता है सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो सेक को मैं क्या लिखूंगा, कॉस का उल्टा, यही तो प्रूव करना था, अंडरस्टूड, सिंपल परफेक्ट। चलो आगे ठीक है, चलो क्वेश्चन करो सॉल्व, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव करना है, कोई सीन नहीं है भाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई को ऊपर लगेगा, भाई को ऊपर लगेगा, सो इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा, है कि नहीं, व्हाइट पेन से ही करूं तुमको ज्यादा मजा आएगा, है ना, ये येलो पेन से करना है या फिर पिंक से करें, चलो पिंक स्पेशल डे करते हैं आज, ये इधर करते हैं, एक इधर करते हैं, तो 1 ये ऊपर भेज दो, ये उधर भेज दो, तो इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आना ही चाहिए भाई आपको, ठीक है, तो 1 इनटू 1 1 sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। भाई मुझे एक बात बताओ, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा गयो, 1 प्लस 1 कितना आएगा भाई, 2 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, भाई लास्ट एग्जांपल में किया था, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट एग्जांपल में किया था, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो cos स्क्वायर थीटा। भाई मुझे एक बात बताओ, 2 इंटू 1 लिख देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम, दो की जगह 2 इंटू 1 लिख दिया है ना, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 को ऐसे रखो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस नीचे तो ऊपर जाके सेक ही बनने आया, 2 सेक स्क्वायर थीटा, वही तो प्रूव करना है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है चलेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का आंसर 1 आता है, सिर्फ कर रहे हैं, ये बोल रहे हो, चलो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आता है भाई, डायरेक्ट आइडेंटिटी चेक, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला आता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा इनटू एक में से साइन स्क्वायर थीटा चला गया, बचा क्या भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, भाई यहां पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल, बचा क्या 1, वही तो प्रूव करना है, सारे क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं, चलेगा परफेक्ट, फास्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। सो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, कोई सीन नहीं भाई, लिखो क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या सोचूंगा, देखो कोसेक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा हो सकता है, ये कॉट थीटा है तो साइन अपॉन कॉस थीटा हो सकता है, तो 1 अपॉन सॉरी कॉस अपॉन साइन,
नीचे साइन आना चाहिए, तो नीचे साइन कैसे लाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो सर, आपने सोचा कैसे? क्योंकि देखो यार एक क्वेश्चन तो बहुत चिंदी है ना, ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 11th 12th में जाओगे तो रियल ट्रिग्नोमेट्री समझेगा, एकदम आग लगती है हर जगह से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन सर आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे आप हमारा क्या फायदा है ना, वो तो मेरा लेवल हो गया ना, दैट इज माय लेवल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, आपका लेवल कैसे इंप्रूव किया जाए? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं सोचता क्या हूं, चलेगा? तो मैं सोचता ये हूं कि देखो भाई ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी RHS है राइट हैंड साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं यार राइट हैंड साइड में जरूरत क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या करना है। तो अब मैं क्या करूंगा देखो सब लोग, अब मैं ये करूंगा कि कोसेक थीटा क्या होता है भाई, मैं कोसेक थीटा को लिखूंगा 1/sin थीटा। किसी को कुछ प्रॉब्लम? कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो अगर इन दोनों को मैं साथ में ले लूं तो मुझे क्या रियलाइज हो रहा है, 1+cos थीटा और साइन थीटा कॉमन है, तो नीचे साइन थीटा आ गया नीचे का आ गया साइन थीटा, तो नीचे साइन थीटा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इधर की बात करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि नीचे साइन थीटा कैसे आएगा भाई, यहां तो 1-cos थीटा है, हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा कैसे आएगा, 1-cos² थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा, देखा ऐसे कुछ फॉर्मूला, 1-cos² थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सर कहां से आया, अरे दिमाग लगाओ भाई, -cos² थीटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे आएगा, तो 1-cos² थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, वंडरफुली सर, वंडरफुली डन। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखो वापस से यहां पे, साइन थीटा अपॉन 1-cos थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे साइन लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1+cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1+cos थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर आपने ये क्यों किया भाई, मैंने ये इसीलिए किया कि अब क्या सीन होगा, अब क्या गेम होगा कि 1+cos थीटा और 1+cos थीटा, a-b a+b फॉर्मूला बनेगा a² - b², ठीक है? और ऊपर ये ऐसे रखो है ना, ऊपर ये ऐसे रखो, साइन थीटा इंटू 1 sin थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, देखो कितना मजा आएगा अभी। अब 1-cos² थीटा क्या होता है भाई मेरे, 1-cos² थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता ही नहीं होता है, 1-cos² थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1-cos² थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां पे एक साइन थीटा गया, साइन थीटा बचा, यहां पे एक साइन थीटा गया, साइन थीटा बचा, तो यहां पे क्या बचा है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है मेरे भाई, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई मेरे, कॉट थीटा। यही प्रूफ करना था क्या? यस सर, यही प्रूफ करना था। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है? चलो इतना तो आसान क्वेश्चन नहीं है, राइट सर? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन सर आप सोचोगे क्या भाई, मैं तो यही सोचने वाला है कि 1-sin थीटा 1+sin थीटा के आंसर sec θ - tan θ आता है, क्या आता है? तो यहां पे रूट है और इधर रूट नहीं है, मतलब रूट हट चुका होगा, यहां पे रूट है और यहां पे रूट नहीं है, मतलब रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटेगा कब, जब अंदर स्क्वायर आएगा, जब अंदर इसका स्क्वायर आएगा। तो 1-sin² कब आएगा, जब आप ऊपर भी 1-sin से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 1-sin से मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू थिंक व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, है कि नहीं? अगेन आपके लिए SPI सपना है, ठीक है? बट SPI इज नॉट एवरीथिंग। SPI क्या करता है, SPI लोगों को NDA के लिए प्रिपेयर करता है। NDA इज द फाइनल डेस्टिनेशन, NDA में जाने के बाद आपका लाइफ बनता है, SPI के जाने के बाद नहीं बनता है। अगर SPI में जाओगे, NDA के लिए रिकमेंड नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, है ना? राइट? सो SPI के लिए तो आप प्रिपेयर करो ही करो, लेकिन ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर ये आप इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आपको NDA के लिए भी बहुत फायदा होगा, राइट? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अंडर रूट ऑफ 1-sin θ 1+sin θ का आंसर में यहाँ पे तुमको स्क्वायर रूट दिख रहा है क्या ना, मतलब कहीं ना कहीं अंदर स्क्वायर होगा, इसलिए तो स्क्वायर रूट गया है। अगर अंदर स्क्वायर करना है तो मुझे इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अगर इसका स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर कब बनता है, कोई भी नंबर को उसके खुद नंबर से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन क्या है, 1-sin θ / 1+sin θ, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अंदर चाहिए स्क्वायर, मुझे अंदर चाहिए स्क्वायर, राइट? अंदर स्क्वायर चाहिए, तो वही 1-sin θ ना, उसको मैं वापस से 1-sin θ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, अब
सेम इनटू सेम मिलेगा स्क्वायर, तो सिर्फ ऊपर करके चलेगा क्या, नीचे भी करना पड़ेगा भाई। तो अगर ऊपर 1 माइनस साइन थीटा से किया तो नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से करना पड़ेगा। इसको अगर देखो देना भाई तो बहुत मजा आएगा तुमको। 1 माइनस साइन थीटा इनटू सेम तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट गया तो बचा क्या, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट गया, बचा क्या, अपॉन 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 अंडर रूट ऑफ, समझा ना, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हटा दिया तो नीचे तो स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई आज ही 10 बार लिखा है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। एक में से साइन स्क्वायर थीटा चला गया कॉस स्क्वायर थीटा, एक में से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया साइन स्क्वायर थीटा, तो एक में से साइन स्क्वायर थीटा चला गया इस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई अंडर रूट और स्क्वायर हट गया, अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, तो बचा गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई बताओ यार 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, sec थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। अरे यही तो प्रूफ करना था सर जी, पता है मुझे यही प्रूफ करना था, क्या पता है मुझे, sec थीटा माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज दिस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, चलो साउंड्स परफेक्ट, ठीक है चलो। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पे, कैसे लगाओगे, क्वार्ट में नीचे कॉस आता है कोसेक, सॉरी क्वार्ट में नीचे साइन आता है कोसेक में साइन आता है, इधर कॉस आता है कॉस आता है, क्या क्या कर सकते हो, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ सकता है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 इंटू टेन थीटा प्लस टेन थीटा, 1 इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा शायद ना, ठीक है फिर भी ट्राई करते हैं। cot थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1, ये तो पता है ना भाई, cot और tan को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलने वाला, cot थीटा इंटू sec थीटा, cot थीटा sec थीटा है कि नहीं, और फिर कैसे कर सकते हो, what can be done here, what can be done, 1 upon tan अगर कर दूं मैं यहाँ पे और फिर मल्टीप्लाई करूं चलेगा, cot थीटा sec थीटा, या फिर अभी cosec थीटा इनटू ये कर दो तो माइनस cosec थीटा है कि नहीं, cosec थीटा tan थीटा, सो माइनस cosec थीटा tan थीटा एंड माइनस cosec थीटा sec थीटा, माइनस cosec थीटा sec थीटा। सर ये आसान होगा क्या, सर ये सॉल्व करने से आंसर आएगा क्या, डेफिनेटली आएगा लेकिन आसान नहीं होगा, तो मैं चेंज कर रहा हूं मेरी टेक्निक, ठीक है। आपको भी समझना चाहिए कौन सी टेक्निक गलत है, सिर्फ राइट टेक्निक समझ के फायदा नहीं होता है, सो गलतियां भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ओके चलेगा। व्हाट एल्स कैन बी डन, व्हाट एल्स कैन बी डन, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ऊपर नीचे, सो यहां पे मैं 1 लिखूंगा प्लस cot थीटा, क्या होता है भाई cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, माइनस cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा, चलेगा राइट। इन अनदर ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, है ना। अब इसका फायदा देखना क्या होगा, साइन थीटा दोनों में कॉमन है, ऊपर भेज दूंगा मैं, तो इधर डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आई होप उतना तो समझ में आना चाहिए आपको, नीचे दोनों के नीचे साइन थीटा कॉमन है ना, तो साइन थीटा कॉमन करके उधर भेज दूंगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, हाँ शायद ये आसान होगा, फिर कॉस थीटा ऊपर भेज दो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, अरे भाई आगे आंसर आ गया, इसलिए बोला ना मैंने कि वो होता लेकिन डिफिकल्ट आता, तो यहाँ पे देखो ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए बोल दो, सो ये ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए को नहीं था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी कौन है 1, है ना, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो और कलर चेंज कर रहा हूं मैं, तुम्हें और मजा आएगा, ठीक है। तो भाई a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
माइनस वन होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। भाई बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है? वन। सो ये वन और ये माइनस वन कैंसिल हो गया, बचा क्या? टू साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बचा क्या? सर वही तो प्रूव करना था, बराबर है ना, वही प्रूव करना था। सिर्फ अभी दिमाग लगा, ये क्वेश्चन को हमें कितना टाइम लगा। अब जब मैं ट्रिक बताऊं ना, सर आपने ये क्वेश्चन किया था, इतना टाइम लगता है, तो जब ट्रिक बताऊंगा तब तुम्हें रियलाइज होगा। ठीक है, जस्ट पे योर अटेंशन, आगे आगे देखो होता है क्या। और कितने क्वेश्चन बाकी है बाबा? चलो और दो क्वेश्चन बाकी है, फटाफट करेंगे, कोई सीन नहीं है भाई, और दो क्वेश्चन बाकी है बस। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस टू, ये प्रूफ करना है। कोई सीन नहीं है भाई, भेज दो ऊपर। साइन स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं देखो, अब मैं करूंगा प्लस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अगर मैंने प्लस किया है कुछ तो मुझे वो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सर ये क्यों किया? अगर प्लस किया तो माइनस किया मतलब ये कैंसिल होके फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। अब तुम बात समझ पा रहे हो? अगर मैं साइन स्क्वायर ए को ए पकड़ू ना और कॉस स्क्वायर ए को बी पकड़ू तो फॉर्मूला क्या बनता है पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। समझ पा रहे हो क्या? अगर साइन स्क्वायर ए को ए पकड़ लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को बी पकड़ लिया तो हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। किस चीज का फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस चीज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो यहां पे ए कौन है साइन स्क्वायर है, प्लस बी कौन है कॉस स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करो बढ़ जाओ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर अगर करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए, वैसे के वैसे रखो। अब नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, इधर भी वही लिखना है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इधर भी वही लिखना है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सब लोग बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो इस पूरे मसाले का आंसर आता है वन, और वन का स्क्वायर क्या आता है? वन। सो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये तो पूरा ही कर गया भाई, माइनस टू, ये तो प्रूव करना है। फील आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो आना चाहिए भाई, मेहनत बहुत चल रही है, रात रात भर मेहनत चल रही है। टाइम नाउ इज 12 o'clock है ना, रात के, ठीक है। सो मेहनत चल रही है भाई, तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं है कि फ्री था है ना पूरा रात, इन द मॉर्निंग आई एम सपोज टू टेक द लेक्चर्स ऑफ एनडीए पीपल है ना, जितने भी एनडीए के बैचेस है 11, 12 रिक्विजिट, इन सारे बैचेस के लेक्चर लेने के बाद आई हैव टू रिकॉर्ड दिस है ना। इसके बाद अभी वॉल्यूम और वो सारी मिक्स चीजें करनी पड़ेगी है ना, उसको एडिटिंग करना पड़ेगा। सो मेहनत बहुत चल रहा है यार है ना, अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए, डोंट टेल अस कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना करो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो इतना बता दो, चलेगा? वी डोंट वॉन्ट अप्रिशिएशन, डोंट से थैंक यू टू अस है ना, बट भाई रिजल्ट निकालो, ये तो पता चलेगा इतनी मेहनत की लोगों ने कैजुअली ले लिया और सिलेक्ट नहीं हो पाए, चलेगा? क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है। अगर ऑफलाइन में यहाँ पे रहता ना बेटा, रगड़ रगड़ के आंसर निकालता मैं तो आप लोगों से है ना, रगड़ रगड़ के आपके रिजल्ट निकालता, चलेगा? लेकिन अब कैसा है, अब मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है ना, अब आप देखोगे नहीं देखोगे इट्स अप टू यू है ना। और मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? ऐसे मस्त तीन कैमरा वाला कैमरा है, उसमें देख के पता चल जाता है, ऐसे लग रहा है वही मेरे तरफ देख रहा है, ठीक है? बट ये आप लोगों के लिए चल रहा है, इट्स नॉट फॉर द कैमरा। मेहनत करो यार, मेहनत करो। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो भाई ये तो आना चाहिए भाई है ना, कॉस थीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा कौन होता है? 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री भाई, 90 माइनस थीटा नहीं इधर, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री भाई क्या है? कॉस। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट द कॉस थीटा, है कि नहीं? प्लस साइन थीटा इसे रखो इधर, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई? 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री भाई, कॉस का सब कॉम्प्लीमेंट्री भाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, राइट? सो आंसर इज वन, एज सिंपल एज दैट। इतना बड़ा क्वेश्चन देगा इसके, देख के आंसर आना चाहिए वन विदाउट इवन सॉल्विंग, क्योंकि कॉस थीटा है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज आल्सो कॉस थीटा, कॉस 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 स्क्वायर,
साइन 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 स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड? चलेगा, परफेक्ट, राइट? नाउ ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, बराबर है? अरे ये क्या हो गया सर, आपने तो लास्ट क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन ये क्या आ गया? अगर आप देखोगे तो चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप बोलोगे अरे सर कुछ तो झमेला लग रहा है, मैं बोलूंगा क्या झमेला लग रहा है, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्या? ठीक है, अब जिनको लगता है ये सॉल्व किया मतलब आप लेक्चर देख रहे हो, जिनको लगता है सॉल्व नहीं किया ना आप सोए हुए हो, ठीक है? डेफिनेटली चलेगा। सो अब मुझे पता नहीं आप यहां तक आए नहीं आए, इस वीडियो की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? हाँ नॉट कुंभकर्ण, नॉट कुंभकर्ण है कि नहीं है ना, या फिर नो टू कुंभकर्ण करो, नो टू कुंभकर्ण, नो टू कुंभकर्ण इतना तो कर ही सकते हो यार मस्ती, ठीक है? नो टू कुंभकर्ण मतलब क्या है, मुझे पता चला कि यहां तक आप सोए नहीं हो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो क्वेश्चन इज रिपीटेड, राइट? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलेगा? तो सर ये क्वेश्चन रिपीट किया क्यों, सॉल्व किया तो रिपीट क्यों किया? ट्रिक्स के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक्स। भाई मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है 1 - sin² θ * sec² θ = 1, उन्होंने बोला है थीटा की वैल्यू कुछ हो नहीं सकती, बोला नहीं ना, लो ना थीटा की वैल्यू, जिनको साइन ऑफ 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, जो कि हमने कल के लेक्चर में किया, और ये वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने हजार बार बोला आपको याद कर लो, ठीक है? अगर आपने ये वैल्यू याद की होगी, है ना, अगर आपने ये वैल्यू याद की होगी, रब हो जा भाई क्या हो रहा है, ठीक है? तो आपको ये ट्रिक ऐसे आई है ऐसे, बिकॉज थीटा की वैल्यू कैन टेक एनीथिंग, है ना, तुम्हें प्रूफ क्या करना है? अब देखो एसपीआई में प्रूफ दैट का क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, एसपीआई में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बता रहा हूं मैं आपको, देखो, है ना, ये वन की जगह ऐसे कुछ होगा नहीं, लेकिन एसपीआई में बता, मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्या होगा पता है? एसपीआई में किस टाइप का क्वेश्चन होगा? एसपीआई में क्वेश्चन होगा भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - sin² θ * sec² θ, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ तो होगा, आपको ही निकालना पड़ेगा, तो आपको पता भी नहीं क्या करना है, क्या करोगे? सीधा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डाल दो भाई, 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डाल दो, सीधा डाल दो, देखो आंसर आएगा 1 - sin 30 डिग्री इतना होता है, साइन 30 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 इंटू sec स्क्वायर थीटा, cos थीटा कितना, cos 30 कितना होता है, cos 30 रूट 3/2, sec 30 2/√3, एक काम करो रोको वीडियो यहाँ पे, रोको जाओ टेबल लेके आओ, टेबल ला सकते हो, ठीक है चलेगा, टेबल अगर लेके आए होंगे तो सीधा साइन 30 का वैल्यू डालना है 1/4 इंटू sec 30 का वैल्यू क्या होता है पता है, 2/√3 उसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर 3, है ना, सो 4 को इधर भेजो, 4 माइनस 1 3 बाई 4 इंटू 4 बाई 3, चार चार कटा, तीन तीन कटा, आंसर इज 1, कौन सा ऑप्शन सी, आंसर क्या था 1 था आंसर, बेस्ट ट्रिक एवर, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, ठीक है? सेम सर हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये भी हो सकता है सॉल्व, डब्बा भी हो सकता है ना, सो सर ट्रिक लगाए या तुम्हारी ट्रेडिशनल मेथड लगाए, भाई काफी बार ऐसे लगता है ना ट्रेडिशनल मेथड से एकदम फास्ट होता है, ट्रेडिशनल मेथड मतलब फॉर्मूला यूज करके एकदम फास्ट होता है, ट्रिक से फटके दो चार होती है, ठीक है? लेकिन अगर ट्रिक सही से लगाओगे तो आंसर भी फास्ट आने के चांसेस है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू में 30 डिग्री डाल दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, अगेन क्वेश्चन कैसे होगा समझ में आया ना, क्वेश्चन ये नहीं होगा पापा कि प्रूव दैट, क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 sin θ 1/1 sin θ, ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन a sec square theta, second option 2 sec square theta, third option क्या होगा भाई cos square theta and fourth option 2 cos square theta। अब आप बोलोगे सर इधर तो cos में आंसर है, इधर भी sin में आंसर है, कुछ नहीं भाई तुम 30 वैल्यू डालते तो देखो, डालो 30 वैल्यू तो क्वेश्चन क्या बनेगा 1/1 + sin 30 कितना होता है चेक करो टेबल, हाफ प्लस 1/1 - साइन 30 कितना होता है हाफ, तो भाई 1/1 एक में आधा डाल दिया, सो 2 + 1 = 3/2 प्लस 1/1 एक में से आधा चला गया 1/2, सो ये 2 ऊपर भेज दो, इट विल बी 2/3 प्लस ये 2 ऊपर भेज दो 2/1, है ना राइट, सो 2/3 प्लस 2/1, सो आंसर कितना आएगा इसका देखो, 3 × 2 = 6 प्लस कितना हो रहा है 2/3 + 2/1 ना, बराबर तो कर रहा हूं मैं, यस बराबर कर रहा हूं,
थ्री टू दिक्स प्लस टू एट, एट बाई थ्री, आंसर क्या आ रहा है एट बाई थ्री। अब क्या करना है पता है, कुछ भी नहीं करना है, 30 डिग्री वैल्यू इसमें डालो, देखो ऑप्शन में भी डालना है, जो वैल्यू यहां पे डाली है ना वो ऑप्शन में भी डालनी है, ठीक है। सो 30 डिग्री यहां पे डाल दो, है ना। सो sec 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3 / 2, ठीक है, sec 30 2 / √3 उसका स्क्वायर 4 / 3, ये आंसर है क्या हमारा, नो 4 / 3 तो नहीं है। सो sec स्क्वायर थीटा के आंसर आ गया 4 / 3, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे sec स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आएगा 4 / 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 / 3, ये आंसर है क्या भाई, वही तो आंसर है। सो आंसर इज 2 sec स्क्वायर थीटा, देखो जरा सर नहीं समझ में आया, जाओ वीडियो पीछे लो, है ना, राइट, स्लो मोशन में करो वीडियो पीछे लो, वापस से देखो, ठीक है। सो इट्स वेरी एसेंशियल, क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं, अगेन इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे होगा क्या, ना क्वेश्चन ये होगा, ये इज इक्वल टू वन होगा ही नहीं, चलो होगा क्या इज इक्वल टू वन, नहीं देखो कैसे गायब कर दिया मस्त, है कि एकदम फुल फुल माहौल, ठीक है चलेगा। 1 plus sin theta, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta की वैल्यू क्या होगी, what is the value of this masala, ऐसे क्वेश्चन आएगा, what is the value of this, option A is 1, option B is 2, option C is 3, option D is minus 1, ठीक है, कौन सा आंसर होगा, क्या करोगे भाई फटाफट, अगर तेजस्वर रहते तो तेजस्वर डालते वैल्यू थीटा 30 डिग्री, वैल्यू 30 डिग्री, सर 30 डिग्री डाल दी क्या 45 चलेगी क्या, दौड़ेगी 45 चलेगी, चलेगी क्या, दौड़ेगी, चलेगा, चलो 1 plus tan 30 कितना होता है, 1 by root 3, चेक करो टेबल चेक करो, tan 30 कितना होता है 1 by root 3, tan 30 is 1 by root 3 का स्क्वायर है, तो 1 by root 3 का स्क्वायर, tan 30 1 by root 3 उसका स्क्वायर, into 1 plus sin 30 कितना होता है बाबा 1 by 2, into 1 minus sin 30 कितना होता है बाबा 1 by 2, चलो सर सही है, so 1 plus 1 by root 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, root 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 1 2 plus 1 3 by 2, 2 1 are 2 minus 1, 1 by 2, ठीक है, so 3 इधर आ गया plus 1, 4, so 4 by 3 into 3 by 2 into 1 by 2, 3 कटा 3 कटा, 2 2 जा, 2 कटा 2 कटा, 2 कटा 2 कटा, अरे सर सब कुछ कर दिया, वैसा क्या 1, आंसर क्या आएगा मेरे भाई, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1, समझ में आ गया, next question, चलो, क्वेश्चन कैसे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताओ जरा, क्वेश्चन कैसे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ये आएगा कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, सो ऑप्शंस वेयर, ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेकंड ऑप्शन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, थर्ड ऑप्शन ऐसे ही मसालेदार, पूरा ऑप्शन ऐसे उसको मसालेदार, चलेगा चलो सॉल्व करो। सो क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 कॉस 30 करो बड़ा सॉल्व जरा, क्या आंसर आएगा इसका, 1 बाई 2 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बाई 2, 2 2 कैंसिल, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, हमें ऑलरेडी आंसर पता है क्या है, बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस था ना कि प्लस था, प्लस कॉस थीटा, ऑलरेडी आंसर ये पता है, डाल के देखो थीटा की वैल्यू 30 उधर, ये चांस आएगा देखना, है ना 30 डिग्री डाल के देखो यहाँ पे, है ना, ये नीचे ग्राफ पर तो मुझे आएगा ऑलरेडी पता है ना आंसर क्या है, जरूर मैच होगा, देखो ना जरा कोसेक 30 कितना, साइन 30 होता है 1 by 2, तो कोसेक 30 क्या होगा 2, प्लस कॉट 30 कितना होता है, टेन 30 क्या होता है 1 by root 3, कॉट 30 होता है root 3, 2 plus root 3, आप बोलोगे सर कुछ भी वो 2 plus root 3 है 2 minus root 3 है, मसालेदार काम करे क्या, देखो बरा जरा वो 2 प्लस उठी है ना, देखो बरा इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 माइनस उठी है ना, तो ऊपर 2 प्लस उठी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 प्लस उठी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस उठी का स्क्वायर इज 3, सो आंसर ये 4 में से 3 चला गया, 1 बचा क्या 2 प्लस उठी, अरे भाई वही तो है राइट, सो तुम्हें अगर याद रखना है तो तुम ये भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज नथिंग बट 2 प्लस रूट 3, ये भी याद रख सकते हो रखना है तो, ठीक है राइट, सो ये होता है ट्रिक, सो सर ट्रिक में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग इनटू द ट्रिक्स,
ट्रिक में हम थीटा की वैल्यू या फिर एंगल की वैल्यू कुछ तो लेंगे, वही वैल्यू डालेंगे क्वेश्चन में और वही वैल्यू डालेंगे ऑप्शन में, चेक करेंगे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है। मस्त है कि नहीं, वाह, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड एवरीवन ऑफ यू, चलेगा। सो हम क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू डालेंगे, ऑप्शन में भी थीटा की वैल्यू डालेंगे, चेक करेंगे कहां आंसर सेम आ रहा है, दैट ही गिव्स द आंसर, अंडरस्टूड। अब आगे के जो क्वेश्चन है आई होप आप कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कैसे डालोगे, थीटा की वैल्यू डालो, यहां पे भी डालो, वहां पे भी डालो। चलो ये क्वेश्चन में सॉल्व करके देता हूं आपको, फिर भी क्योंकि बहुत आसान है। लो क्या लेना है आपको, थीटा की वैल्यू 60 ले लो, इसको 13 लेना है, 60 लेना है, तो थीटा की 60 डाल दिया, थीटा की 60 डाल दिया, थीटा की 60 डाल दिया और थीटा की 60 डाल दिया, है ना। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। चलो चेक करते आता है, 1 है ना, चेक करते हैं cos 60 कितना आता है, 1/2 / sin ऑफ 90 - 60, 90 में से 60 चला गया तो कितना बचा है, साइन 30, अबे 90 में से 60 चला गया, साइन 30, साइन 30 कितना आता है, ये भी 1/2 आता है, क्या बात है। चल प्लस प्लस साइन 60 कितना आता है, √3/2 चलेगा। कॉस ऑफ 90 में से 60 चला गया, 90 में से 60 चला गया, बचा 30, कॉस 30 भी कितना आता है, √3/2, 1/2 × 1/2 = 1/4, प्लस √3 √3 = 3, 2 × 2 = 4, नीचे 4 कॉमन है, 3 + 1 कितना होगा, 4 4 4 = 1, अरे भाई क्या था आंसर, आंसर वॉज 1, समझ में आया, राइट। सो भाई ये है फील्ड ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। सो हियर विल फिनिश अवर सेकेंड लेक्चर, है ना, विच वॉज ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन द थर्ड लेक्चर वी विल बी डूइंग द अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो होगा हाइट्स एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कम पड़ेगा, लेकिन मेरा इतना ज्यादा बिलीफ है ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। सो जो पहला पार्ट है ना, उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, रीजन बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें रेशियोज है, उसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भाई चारे चल रहे हैं, उधर क्वेश्चन बहुत यूनिक है, चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मुझे ऐसे कंपेरेटिवली आसान लगा, चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए, इसके भी आप नोट्स बनाइए, वी आर सर्चिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आपके नोट्स हमें भेज पाए, ठीक है, लेकिन चेक तो नहीं कर पाएंगे यार, इतना ही आपको भी समझना पड़ेगा, है ना, 12:30 बज चुके हैं अभी रात के, ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस ओनली फॉर यू, बस 100% एफर्ट्स करना, एक ही चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कुछ भी मत करो यार, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बाद में देखते बैठेंगे अपन, चलेगा। वट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, हम इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस पढ़ाई करो अच्छे से, चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।